माँ बाप ज्यादा जरूरी है या लड़की ज्यादा जरूरी है लाइफ में? साफ साफ बताना, गर्लफ्रेंड जरूरी है या माँ बाप ज्यादा जरूरी है, बताओ। जो प्यार करते हैं वो धोखा खा जाते हैं, धीरे धीरे वो छोड़ के चला जाते हैं। तेरे को सच्चा प्यार था, उसको सच्चा प्यार था, सही बताइयो। वो मेरे से दिल से प्यार करती थी। और तू? मैं भी उससे दिल से प्यार करता। अगर तेरे से दिल से प्यार करती थी तो उसने तेरे को छोड़ कैसे दिया? इसके खुद के मुंह से सुनना आप कि इस लड़के के साथ, इस बच्चे के साथ क्या हुआ है, और ये आपको सारी अपनी जो रियलिटी वो बताएगा आपको, ठीक है? सबसे पहले आपका नाम क्या? नवनीत। अच्छा, नवनीत स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, जो मेरे को आपने बताया अब हमारी ऑडियंस को शेयर करो। हाँ, मेरा नाम नवनीत है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड थी? और उसका मेरा दोस्त था, उसको 9 मार रहा था। वो फोन पे रात को मैसेज भेजता था। और क्या बोलते हैं, फिर मैं उसके घर पे गया, बोला उससे मत छेड़। अच्छा, वो तुम्हारा दोस्त था, वो उसको फोन पे मैसेज भेजा करता था। हाँ। दोस्त तुमसे बड़ा है क्या, तुम्हारे बराबर है? मेल से बराबर है मेरा। अच्छा, और वो लड़की, उसका नाम क्या है? आंचल। उस लड़की का नाम आंचल। गर्लफ्रेंड थी? हाँ। अब नहीं है। जो आंचल है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, वो अब नहीं है, और तुम्हारा दोस्त उस पे लाइन मारा करता था। हाँ। फिर आगे बताओ। घबराओ मत। फिर हमारी लड़ाई होगी फिर। और वो लड़की उससे बात करने लगी? हाँ। लड़की से बात करने लगी। हाँ। वो धीरे धीरे हमारा, फिर क्या हुआ, वो मैं 3-4 बहुत रोया। फिर मनी, अब बताओ आप बहुत नर्वस हो रहे हो, हमारा लड़का बहुत नर्वस हो रहा है, आप खुल के बताओ। हाँ, आपको क्या हुआ, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड थी, तेरा दोस्त जो था उस पर लाइन मारता। हाँ। था तो वो उससे उसकी बात हो गई। हाँ। और उसके बाद जो तेरे से प्यार करती थी ना वो। हाँ। तू भी उससे प्यार करता था। हाँ। तो छोड़ दिया उसने तेरे को। हाँ। तेरे को सच्चा प्यार था, उसको सच्चा प्यार था, सही बताइयो। वो मेरे से दिल से प्यार करती थी। और तू? मैं भी उससे दिल से प्यार करता था। अगर तेरे से दिल से प्यार करती थी तो उसने तेरे को छोड़ कैसे दिया? क्योंकि ना वो अच्छा लगा धीरे धीरे। अच्छा, वो अच्छा लगा। हाँ। और तू बुरा बन गया उसके लिए। हाँ। ऐसा है, देख लो, छोटे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, देख लो यार। मैं उसको बर्थडे पर बहुत सारा सामान देता हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा, क्या दिया था बर्थडे पर उसको? मैंने एक वो फोन वाली वॉच दी थी। हाँ। अच्छा, फिर भी उसने धोखा दे दिया। हाँ। अच्छा, और अब क्या कहना चाहोगे लास्ट में, कि अब आप उसके बाद उसको याद करते हो कि नहीं करते हो, ये बताओ। ऐसा मतलब अभी भी उसके लिए आप इमोशनल होते हो, या आप कभी खाली बैठे होते तो आपको उसकी याद आती है कि नहीं आती, सब बताना। आती है। हाँ। और मैं उसको छोड़ दिया, और मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है। हाँ। अब मुझे उसकी लाइफ में वो चला गई, मैं उनको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मम्मी पापा बोल लेते अब उसको छोड़ दे, अब बेटा तू मत कुछ कर। अच्छा। बस पढ़ाई पे ध्यान रख। मैंने बोल दिया मम्मी आज से मैं तो पढ़ाई पे ध्यान रखूंगा और किसी का नहीं करूंगा। अच्छा, फिर पढ़ाई पर उसके बाद ध्यान रखा है उसको, फिर वो अब याद नहीं करते आप। हाँ। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात बोली आपके माँ बाप ने। आपके माँ बाप ने जो सिखाया आपको, बहुत ही अच्छा सिखाया, और आपने समझा उस चीज को, और उससे भी वो अच्छा है, वो अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। माँ बाप ज्यादा जरूरी है या लड़की ज्यादा जरूरी है लाइफ में? साफ साफ बताना, गर्लफ्रेंड जरूरी है या माँ बाप ज्यादा जरूरी है, बताओ। माँ बाप ऐसा क्यों? क्योंकि ना माँ बाप के यार जिंदगी खराब है, माँ बाप के बिना जिंदगी खराब है। बहुत बढ़िया भाई, जो लड़के ने बताया, दिल को सैल्यूट तेरे को, जो तूने मतलब माँ बाप की कहना मानकर अपना सही रास्ता चुना। एक लास्ट चीज बोलना चाहोगे कि एक चीज बोल दो भाई, बच्चों को, छोटे बच्चे जो प्यार में पड़ जाते हैं उसके लिए। जो प्यार करते हैं वो धोखा खा जाते हैं, धीरे धीरे वो छोड़ के चला जाते हैं।